राम राम जी, सनातन धर्म की जय। मैं इस समय जीएमसी हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ पर एक परिवार आया हुआ है। मामला ये एक रेहाड़ी पक्का दलाब इलाके का है। एक 16 साल के लड़के के ऊपर किसी ऑटो चलाने वाले ने हमला किया है और उस बच्चे की अभी जो कंडीशन है बहुत ख़राब है और जीएमसी हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसका परिवार यहाँ पहुँचा हुआ है। अंकल, क्या बात हो गई, बताएंगे ज़रा? बात अगर भी एक बार लड़ाई हुई है पहला, हाँ क्या गल, ठीक है, उल्लै भी मारे है, पुलिस केस होया, पुलिस ने एक्शन कोई नहीं लिया। जे हूँ और सीरियस है बच्चा, जे मेरे बच्चे कुछ हो गया तो मैं पुलिस भी केस करांगा। के गल हुई अज, के गल अज, अज कुछ नहीं। अस पिंडा ग्राम है, कमरे बना दा, वो पिंडू आए हैं कोई 8 बजे कन्नै, 8:30 बजे कन्नै घर पुजे हैं। इन्हें भी खाना खान लग पे, मम्मी खान लग पाया, यह आखन लगा मैं नानी के घर जाना है। नानी के घर गया तो पिछू शराब पीती थी, गाना लग पाया कड़न, पिछू ऐटो ऐटो चु कड़ी रार, तो इन्हें बच्चे दी हमला किया है मुड़े, हाँ मुड़े पर। तो जे कसूर कोई नहीं, हाँ इं गाला कटदा, शराब पीती, कोई भैन नहीं दिखनी, कोई माँ नहीं दिखनी, गाला कटदा रहा बस है। ये इंदी गंदे ने, बहुत गंदे ने, पूरे मोहल्ला दुखी जन्दे कोलों इहदा। की गल होई आंटी जी, तुस की गल? मैं मारे घरों आई, बच्चा खाना खा गया, मैं घरों इसी आई बुलाने दी। ए निकलिया गली च, निकलिया बाहर, बाहर आता इहदा भरा निकलिया, इसे जिन्हें मारिया, इहदा भरा कुत्ता लै गया, उन्हें इसी बाहरों फोन किया कि आ है बाहर, बाहर से आखा मैं आया आया, अंदरों रल लै गया तो उसी मुड़े पिछू जगह मारिया। तीनों भरा मां पेपर जी भी सब मिले सारे। पुलिस को चुकने चाहिए, चुकने चाहिए इंदर परचा, पहले भी लगे था ना, हूँ चुकना चाहिए, पहले नहीं पुलिस ने कुछ किया। कोई हालत नहीं है, ना मैं देखा ना कुछ, उसी होश नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन मैं देखी भी नहीं है, ठीक है। जे बच्चे कोई हालत मर जाओगी मैं पुलिस पर भी करना केस। ऐनी सुनाई कोई नहीं है। क्या बात है भैया? सर मैं दुकान पे सामान ले रहा था, ठीक है, आपके सामने हुआ ये? ये नीचे पार्क के पास उधर हुई हुई है, ठीक है। मैं दुकान पे ऊपर सामान ले रहा था, नीचे से आई आवाज़, ठीक है, ये भागते भागते आया उधर से, भाई मेरा भागते भागते आया, मैंने देखा इसने इसके खून आ रहा था, ठीक है, ये पीछे से राड लेके आया साथ में, राड लेके आया साथ में, ठीक है। ये डेली ऐसे जब भी हम जाते हैं ना काम से आते हैं, ठीक है, ये डेली गाली निकालता, कोई बहन नहीं देखनी, कोई कुछ नहीं देखना इसका, रोज का ऐसा ही है, रोज का ऐसा। पिछली बारी भी इसने गाली निकाली, ठीक है, तो खुद तो किया ही गया, जो इसका जीजा, ठीक है, जीजा वो भी, और इसका जो वंशन उसके भी चार पर चले गया, उसने भी इस पहले भी उसने भी मारा, ठीक है। तो हमारे आगे यही गुंजाइश है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त वो किया जाए। आंटी जी, कोई पुरानी लड़ाई कुछ झगड़ाते नहीं? पुरानी कोई पुरानी लड़ाई नहीं है, बच्चे गली खलो नहीं दिंदा, पहले मेरे घर वाले इन्हें चपेड़ा मारिया, हाँ पहले मेरे घर वाले चपेड़ा मारिया, बच्चे निक छोटे छोटे बच्चे पता भी नहीं है, अहे इन्हें फिर भी आगे कर रही, चल कोई गल नहीं, तो हूँ बच्चे थोड़े बर्दाश्त करते हैं, बच्चे तू मारा, बच्चे की गल नहीं बर्दाश्त होती। जे पुलिस ने कुछ नहीं किया मैं सैल बच्चे जाना बस, इंदा जज अगर परचा लगे ना, तरीक भी इंदी हुई है, पर इन्हें शर्म है नहीं, फिर भी है, फिर भी नहीं शर्म। थोड़ा बच्चा काम के करता? बच्चा मेरा इधर करता सुभाष नगर काम, कंपनी च। ये दोनों करने कोई गलबात नहीं? कोई गलबात नहीं है, कोई गलबात नहीं, ये गंदा बंदा है, तीनों भरा गंदे ने। पूरी प्लानिंग बनाई थी सर, ये डेली बोलता, कल भी हम रोड से जा रहे थे, कल भी इन्होंने बोला कि हम मैंने तेरे को वो बढ़ना बढ़ना, डेली जब भी जाते ना यही बोलता, बढ़ना बढ़ना बढ़ना, ठीक है। तीनों भरा कोई भी बड़ा हो छोटा हो, एक संजू या संजू भी बीच में, संजू दिलीप हैप्पी, मामला आपका पक्का तलाब, इन्होंने सलाह बनाई है, ठीक है, पूरी फैमिली ने, इनका जीजा वो भी और इनका भांजा वो भी, उसके ऊपर तो आगे पूरा मामला जो है ना पक्का तलाब रेहाड़ी का है, ठीक है। और मैं पुलिस से कहूंगा कि अगर ऐसा कुछ क्राइम हो रहा है तो इसके ऊपर नकेल कसी जाए। और अभी एक लड़का जो है जिसकी उम्र 16 साल है, वो अभी हॉस्पिटल के अंदर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको अभी यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। बड़ी बुरी तरीके के साथ जो है उससे जो है उसके ऊपर हमला हुआ है, और ये उसके माता पिता हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, और इस समय उसका जो है इलाज चल रहा है। अगर इसको कुछ हो गया कौन जिम्मेवार उठाएगा? पुलिस जिम्मेवारी उठाएगी इसकी, अगर उनके ऊपर एक्शन लिया जाए पूरे टब्बर को कौन जिम्मेवार लेगा, बताओ खुद। पिछले ये पूरा मामला है,
और मैं कहूँगा कि पुलिस से भी पक्का तालाब रेहाड़ी का ये मामला है, इन्होंने पहले भी कंप्लेंट दी है, आज भी MLC जो है दर्ज हुई है और कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है। जो भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, जिन्होंने ये क्राइम किया एक लड़के को के ऊपर हमला करने का, उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। राम राम।